हेलो टेंथ क्लास, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश इसकी एक्सरसाइज नंबर 13 आज हम करेंगे। कराची खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। ये बहिराए अरब के साहिल पर वाक़ है। इट इज़ सिचुएटेड, सिचुएट वाक़ होना, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। बहिराए अरब, अरेबियन सी, शोर साहिल को कहते हैं, SHORE। यहाँ की आबो हवा मोतदल है। इट्स क्लाइमेट इज़ मॉडरेट, क्लाइमेट आबोहवा मॉडरेट मोतदल। यहाँ नसीम बर्री और नसीम बहरी चलती रहती हैं। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज कीप ब्लोइंग देयर। एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। Once Karachi was the capital of Pakistan. ये एक बंदरगाह है। It is a seaport. दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। Our trade with other countries is carried through this port. हमारे महबूब रहनुमा कायदे आज़म कराची में पैदा हुए थे। आवर बिलव्ड लीडर कायदे आज़म वॉज बॉर्न इन कराची। उनका मज़ार भी इसी शहर में है। हिज टॉम आल्सो स्टैंड्स इन दिस सिटी। जो लोग भी कराची जाते हैं कायदे आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। ऑल द पीपल who visit Karachi do offer Fatiha at Qaid-e-Azam's tomb. Exercise number 14. Johri tawanai ko insaan ke fayde ke liye istemal kiya ja sakta hai. Atomic energy can be used for the benefit of man. इसे दुनिया को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। It can also be used to destroy the world. जोहरी तवानाई हमारे लिए बिजली पैदा कर सकती है। Atomic energy can produce electricity for us. Karachi में एक बिजली घर है। There is a power house in Karachi. आजकल जोहरी तवानाई से पैदा की जाने वाली बिजली सस्ती होने के इम्कान मौजूद हैं। There are possibilities of cheap electricity produced by atomic energy today, yeah, these days. हमें चाहिए कि जोहरी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करें। We should use atomic energy only for peaceful purposes. इन दोनों एक्सरसाइजेज़ की या पैसेजेस की ट्रांसलेशन अच्छी तरह याद करनी है।